ये राजस्थानी कढ़ाई बना रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में राजस्थानी कढ़ाई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये राजस्थानी कढ़ाई है, मैं आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ। ये चिकन है, 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक। ये 1 kg चिकन हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा। ये ऑयल 1/2 कप है, 1/2 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ये ग्रीन पेपर है, शिमला मिर्च है 1 अदद मैंने ले लिया और इस तरह मैंने इसको काट लिया है। और ये क्रीम मैंने 3/4 tablespoon क्रीम के ले लिए हैं। ये देखिए क्रीम है, 3/4 tablespoon क्रीम, 1/2 tablespoon सुरख मिर्च, ये 1/2 tablespoon वो करियंडर धनिया, सूखा धनिया है, नमक है, ये आपने हसबे जायका डालना है, 1 lemon का रस है। और ये कढ़ाई मसाला मैं 1/2 tablespoon डालूंगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैं 1/2 tablespoon डालूंगी। ये होल सुरख मिर्च है, ये देखिए मैं इनमें से 5-6 होल सुरख मिर्च डालूंगी। ये कसूरी मेथी है सूखी हुई, ये डालेंगे इसके अंदर। ये ब्लैक पेपर है, ये भी इसके अंदर जाएगी। ये धनिया है ग्रीन, और ये हरी मिर्चें 2 स्टेप में मैं इसमें डालूंगी। कुछ इस तरह मैंने काटी हैं, ये देखें कुछ इस तरह से काटी। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, 1/2 cup से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। ये जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ये 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है ये डालूंगी। और ये मैं आपको दही का बताना भूल गई थी, ये इसमें 1/2 cup दही भी जाएगा। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं इसमें चिकन डालूंगी, इसको मैंने फुल गर्म करना है। ऑयल देखिए फुल गर्म हो गया, अब इसमें मैं ये चिकन ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया, अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा, कलर चेंज हो गया, अब इसमें मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। ये देखिए शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये इसमें सॉल्ट है, ये सॉल्ट इसमें डाल देंगे। आपने अपने हसबे जायका आपने नमक डालना है, जितना आप लोगों को पसंद है। स्पाइसी आपने अपने मुताबिक डालनी है, जितने आपको स्पाइस पसंद है। वैसे मैं नॉर्मल स्पाइसी यूज़ करती हूँ, फिर भी बाज़ लोग बहुत कम स्पाइस यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाती हूँ कि आपने क्या कितना और किस वक्त लेना है। हमारे देखिए स्पाइस वही हैं, बस इनको थोड़ा सा आगे पीछे करके डालते हैं और खानों का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। स्पाइस हम वही यूज़ करते हैं, हमारे पाकिस्तानी स्पाइस वही हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, बस इनको थोड़ा सा आगे पीछे करके डालते हैं और उनका जायका खाने का चेंज होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और ये 1 teaspoon और ये 2 teaspoon, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके 8 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम मिक्स कर लेंगे और इसमें 1/2 glass पानी का डालकर इसको मैं कवर करके रख दूंगी। इसे मैंने 2 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। पेस्ट डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया। ये देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको मैंने थोड़ा सा डाल के भून लिया है और इसमें मैं ये 1/2 glass पानी का डाल दिया है और अब इसको मैं कवर करके। अब आप ये देखें इसको मैं कवर कर दूंगी, थोड़ी सी इसकी फ्लेम स्लो कर दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा चिकन अच्छी तरह गल जाए। 7 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया, पानी का डाला था, ये ड्राई हो गया पानी इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये सुरख मिर्च डालेंगे, ये सुरख मिर्च चली गई है इसमें, और इसमें सूखा धनिया और गोल सुरख मिर्च डालेंगे। ये गोल सुरख मिर्च हो गई, ये सूखा धनिया हो गया, इनको अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, और 1 cup दही बिल्कुल आग इसकी स्लो कर लेंगे, इस गोल सुरख मिर्च को डालेंगे और आग बिल्कुल इसमें स्लो कर लेंगे और इसमें ये 1/2 cup दही का डालूंगी। ये देखें ये 1/2 cup इसमें दही का चला गया, 1/2 cup इसमें दही का चला गया। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। आग मैंने इसकी स्लो की हुई है क्योंकि अगर दही तेज़ आग पर डालेंगे तो इसकी फुटकियाँ बन जाएंगी, इसके लम्ब्स बन जाएंगे, तो फिर वो ठीक नहीं रहता। इसको फ़ौरन आप हलाते जाएं। मिक्स हो गया, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये कढ़ाई मसाला डालेंगे। 1/2 tablespoon मैंने इसमें कढ़ाई मसाला डाल दिया है और ये काली मिर्च डालेंगे इसमें, काली मिर्च डाली गई, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें ऐड करके इन सबको मिक्स करेंगे। ये देखें ये मैं मिक्स कर रही हूँ, मैं इसमें ये क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये क्रीम है, ये इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी है।
इसकी चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें। ये इसमें क्रीम चली गई है और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करके इसमें लेमन भी ऐड करती हूँ, जो मैंने एक लेमन का रस निकाला हुआ है। फ्लेम मैंने स्लो रखी हुई है क्योंकि क्रीम भी मिक्स करनी है अच्छी तरह से। ये देखें, ये एक लेमन का रस है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चें मैंने काटी हुई हैं, ये इसमें थोड़ी सी डालूंगी, थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी, और ये हरी मिर्चें और ये जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च मैं बाद में इसमें ऐड करूंगी, मैं एंड में ऐड करूंगी। रेडी हो गया खाना, ये लास्ट में मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, ये हरी मिर्चें और धनिया डालकर। अब इसको मैं दम पे रख दूंगी, जो थोड़ा बहुत ये थोड़ी सी कसूरी मेथी बच गई, ये भी ऊपर से थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। अब इनको मैं रख दूंगी दम पे और ये दम पर तैयार हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी राजस्थानी कढ़ाई रेडी हो गई है। ये देखें बिल्कुल रेडी है, ये देखें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया है। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और बनाना है और मुझे बताना है, फीडबैक देना है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत।